अस्सलाम वालेकुम, मैं सहीम खान। एक छोटी सी रिक्वेस्ट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिएगा, 2 या 3 मिनट लूँगा आप लोगों का। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कोरोना के हवाले से। स्पेशली ये वीडियो में आप लोग यूँ कहें कि मुस्लिम भाइयों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जहाँ पर लोग अभी भी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ी दिनों के लिए आप लोग अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें और अपने अपने परिवार का ध्यान रखें, ख्याल रखें, कोई बीमार ना पड़ने पाए। क्योंकि इस वक्त पूरा देश कोरोना के कहर से घबराया हुआ है, डरा हुआ है, और ये लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, सेफ्टी, एहतियात। आप लोग एहतियात बरतें, अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। मैं खुद 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाला इंसान हूँ, उमरा किया है मैंने, मैं भले पेशे से एक्टर हूँ लेकिन मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और इस वक्त नमाज़ मैं अपने घर में अदा कर रहा हूँ। आप अगर आपको ये लग रहा है कि आप मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप याद करिए, जितनी भी जंगे इस्लाम की हुई हैं उस वक्त लोग जंग के मैदान में नमाज़ पढ़ते थे। तो ये जो कोरोना का वायरस फैला हुआ है, ये भी एक घर में रह के एक कोरोना वायरस से हम लोग जंग लड़ रहे हैं, और इस जंग के दौरान अगर आप अपने घर पे नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह बेशक कबूल करेगा। शिफा देने वाला अल्लाह है। आप अल्लाह सिर्फ ईमान और अकीदा देखता है, नियत देखता है। आपकी नियत है मस्जिद जाने की, लेकिन आप सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप जा सकें। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप बीमार पड़ गए, या आपका पैर टूटा हुआ है, आप मस्जिद नहीं जा सकते। तो ऐसे भी लोग हैं ना इस दुनिया में जो घर में बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है उनकी नमाज़ कबूल नहीं होती है? ऐसा नहीं है मेरे भाई, उनकी भी नमाज़ कबूल होती है और हम सब की नमाज़ कबूल होती है। कबूल करने वाला अल्लाह है। अल्लाह सिर्फ नियत देखता है, ईमान देखता है। आप अपने घर में रह के नमाज़ पढ़िए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, आपकी दुआ भी कबूल होगी, आपकी नमाज़ भी कबूल होगी। और प्लीज़ पूरी मखलूक के लिए, अपने देश के लिए दुआ करें। पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, तो सरकार अपने अपने ऐशो आराम के लिए नहीं लिया है। सरकार ने इस फैसले को हमारे लिए लिया है, इस देश के लिए लिया है, तो इसका सपोर्ट करें। कोई जाति धर्म मत देखें दोस्तों। मंदिर भी बंद है इस वक्त, गुरुद्वारा बंद है, चर्च बंद है, सब बंद।